कहावत है कि सत्ता की चाबी जिसके पास होती है उसे अहंकार आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के साथ भी था। यूं तो वह दिल्ली का सुल्तान था, फिर भी वह एक इंसान से बहुत चिढ़ता था। वह इंसान थे फकीरों के फकीर हजरत निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान के दरबारी भी इसमें पीछे नहीं थे। वे लोग स्वयं को धर्म का ठेकेदार समझते थे और उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया की सूफियाना बातें ज़रा भी पसंद नहीं आती थीं। इसलिए वे भी उन्हें परेशान करने के लिए हर समय बादशाह को उकसाते रहते थे। एक बार की बात है, सुल्तान गयासुद्दीन ने यह फैसला किया कि वह दिल्ली से कुछ मील दूर तुगलकाबाद में अपनी राजधानी बनवाएगा। बादशाह का हुक्म पाते ही वहाँ पर निर्माण कार्य चालू हो गया। देखते ही देखते तुगलकाबाद मजदूरों और राजगीरों से गुलजार हो गया। तुगलकाबाद से कुछ ही दूरी पर एक गांव था गियासपुर। वहाँ पर निजामुद्दीन औलिया के शिष्य उनकी दरगाह के पास पानी की बावड़ी बनवा रहे थे। सुल्तान को जब यह खबर मिली तो उसने सूफी संत को नीचा दिखाने के लिए वहाँ काम करने वाले मज़दूरों को ज़्यादा मजदूरी का लालच देकर अपने किले में बुलवा लिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों ने सोचा कि इस तरह जितने भी मजदूर काम के लिए लाए जाएंगे बादशाह उन्हें लालच देकर अथवा भय से अपने यहाँ बुलवा लेगा और यहाँ किसी को काम नहीं करने देगा। इससे बचने के लिए उन लोगों ने रात में काम करवाने का फैसला लिया। यह सुनकर सारे मजदूर प्रसन्न हो गए। दिन में जो मजदूर बादशाह का किला बनाते वही रात में आकर निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में काम करते। सुल्तान को जब यह पता चला तो उसने तेल की खुली बिक्री पर रोक लगा दी। तेल न मिलने के कारण दरगाह का काम एक बार फिर बंद हो गया। लेकिन औलिया के शिष्यों ने इससे भी हार नहीं मानी। उन्होंने यह फैसला किया कि भले ही उनके घर में चराग जले अथवा नहीं, पर दरगाह का काम नहीं रुकेगा। शिष्यों ने अपने अपने घरों में रखा हुआ तेल निजामुद्दीन औलिया के हवाले कर दिया। इसके साथ ही उन लोगों ने एक चाल भी चली। उन्होंने सुल्तान को बेवकूफ़ बनाने के लिए चारों ओर यह अफवाह फैला दी कि निजामुद्दीन औलिया जिस पानी को हाथ लगाते हैं वह तेल में बदल जाता है। सुल्तान को जब यह खबर मिली तो उसने अपने बाल नोच लिए। अब पानी पर पाबंदी तो लगाई नहीं जा सकती थी, इसलिए सुल्तान क्रोध से पागल हो उठा। तभी सुल्तान के एक अमीर ने उसे सुझाव दिया, हुजूर आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। यदि आप कहें तो इस फकीर को एक मिनट में ठिकाने लगाया जा सकता है। कैसे? सुल्तान ने हैरानी पूर्वक उसकी ओर देखा। अमीर बोला, आप किसी काजी से यह शिकायत करवा दीजिए कि शेख निजामुद्दीन भजन कीर्तन करके कुफ्र फैला रहे हैं, इसलिए इस मामले में उलेमाओं और मुफ्तियों की राय ले ली जाए। उस अमीर की बात सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शहर के उलेमाओं और मुफ्तियों से मिलकर निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ एक शिकायत दाखिल करवा दी। शिकायत की सुनवाई के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया और उसकी सूचना शेख निजामुद्दीन को भी दे दी गई। नियत समय पर कार्यवाही शुरू हुई। एक ओर शहर के जाने माने मुफ्ती और उलेमा थे, दूसरी ओर एक अकेला फकीर। दोनों ओर से तर्क वितर्क हुए। देखते ही देखते वहाँ का माहौल बेहद गर्म हो गया। ठीक उसी समय मौलाना अलमुद्दीन ने दरबार में प्रवेश किया। गयासुद्दीन तुगलक मौलाना अलमुद्दीन की बहुत इज्जत करता था। उनके आते ही वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। निजामुद्दीन औलिया के साथ दरबार में जो सलूक किया जा रहा था मौलाना अलमुद्दीन को उसकी जानकारी थी। उन्होंने सुल्तान को ज़ोर से डांटा और शेख से माफ़ी मांगने का हुक्म दिया। गयासुद्दीन तुगलक मौलाना अलमुद्दीन की प्रत्येक बात को आँख मूंद कर मानता था। जब उसे पता चला कि मौलाना स्वयं निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु मानते हैं तो उसने पश्चाताप करते हुए उनसे माफ़ी मांग ली। निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान को सच्चे मन से माफ़ कर दिया। इससे सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने न सिर्फ शेख को भेंट देकर विदा किया वरन उनकी दरगाह की बावड़ी को भी शाही खर्च से बनवाने का हुक्म दिया। समय धीरे धीरे आगे सरकता रहा। कुछ समय के बाद
गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के विजय अभियान पर निकला। वहां पर सफलता हासिल करने के बाद वह राजधानी की ओर लौटा। रास्ते में उसके मन में एक ख्याल आया कि इस अवसर पर उसका स्वागत कुछ अलग ढंग से होना चाहिए। उसने अपने पुत्र के पास संदेशा भेजा कि वह राजधानी के बाहर एक लकड़ी का महल बनवाकर उसके स्वागत की तैयारियां करें। सुल्तान के पुत्र उलूक खान ने मशहूर कारीगर मलिक ज़ादा अहमद बिन अयाज को हुक्म दिया और लकड़ी के महल का निर्माण चालू हो गया। तब तक सुल्तान राजधानी के पास पहुंच चुका था। उसने राजधानी के बाहर डेरा डाल दिया। उसी समय उसके मन में एक फितूर जगा। उसकी इच्छा हुई कि वह निज़ामुद्दीन औलिया के दर्शन करे। गयासुद्दीन अब अपने को पहले से ज़्यादा बड़ा सुल्तान समझने लगा था, इसलिए उसने दूत के माध्यम से शेख निज़ामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वे उसकी शाही छावनी में पधारकर उसे आशीर्वाद प्रदान करें। सुल्तान की यह बात निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत बुरी लगी। वे सुल्तान के दूत से बोले, अपने शहंशाह से कहना कि मेरे दर्शन करना अब मुमकिन नहीं है, उसके लिए दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान उस समय राजधानी के बाहर अपना डेरा जमाए हुए था। उसने सोचा, अब भला मेरे लिए दिल्ली क्यों दूर है, पर वह इस बारे में जितना सोचता उतना ही चकरा जाता। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के आदेश के अनुसार उसके लड़के उलूक खान ने 3 दिन में राजधानी के बाहर लकड़ी का महल खड़ा करवा दिया। लेकिन उलूक खान के मन में खोट थी। उसने महल को इस तरह से बनवाया था कि यदि उसे एक ख़ास जगह से धक्का दिया जाए तो वह भरभराकर गिर जाए। इस राज को केवल उलूक खान और उसका कारीगर मलिक ज़ादा ही जानते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने बड़े धूमधाम के साथ महल में प्रवेश किया। महल की खिड़कियों से तुगलकाबाद के किले की मीनारें साफ दिख रही थी। उस महल में घुसते समय भी सुल्तान के दिमाग में निज़ामुद्दीन औलिया की बात गूंज रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजधानी के बगल में आ जाने के बाद भी क्या अब उसके लिए दिल्ली दूर है। उलूक खान ने अपने पिता के स्वागत के लिए भरपूर तैयारियां कर रखी थी। जैसे ही सुल्तान ने महल में प्रवेश किया, उलूक खान स्वागत के बहाने महल के बाहर आ गया। उसके आदेश पर वहां एक हाथियों का जत्था एकत्रित हो गया। हाथियों ने जोर से चिंघाड़ मारी और सूंड उठाकर सुल्तान को सलामी दी। गयासुद्दीन तुगलक महल की एक खिड़की से यह नज़ारा देख रहा था। वह गदगद हो गया और मन ही मन अपने बेटे की तारीफ करने लगा। लेकिन अगले ही पल हाथियों की वह फौज बेकाबू हो गई और आगे बढ़कर महल में ज़ोर ज़ोर से टक्कर मारने लगी। विशेष प्रकार की तकनीक से बनाया गया लकड़ी का वह महल हाथियों की टक्कर बर्दाश्त न कर सका और देखते ही देखते भरभराकर गिर पड़ा। महल को गिरता देखकर उलूक खान मन ही मन मुस्कुरा पड़ा, पर उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी और दिखावे के लिए हाथियों के सरदार को डांटने लगा। इसके साथ ही उसने सेना को महल का मलबा हटाने का हुक्म दिया, जिससे सुल्तान को बाहर निकाला जा सके। उलूक खान का हुक्म पाते ही सेना हरकत में आ गई। महल का मलबा साफ किया जाने लगा। संयोग से कुछ ही समय में सैनिकों ने मलबे के नीचे से सुल्तान और उसके अमीरों को खोज निकाला। मलबे में दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक और उसके अमीर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। सुल्तान के शरीर से जगह जगह से खून रिस रहा था और उसकी सांसें तेज़ी से चल रही थीं। उलूक खान ने फौरन हकीम को बुलवाने का हुक्म दिया। सैनिक हकीम को लाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन सुल्तान को अपने अंतिम समय का एहसास हो गया था। उसने उलूक खान की ओर एक बार देखा और फिर धीरे से बुदबुदाया, अभी दिल्ली दूर है। और इसी के साथ गयासुद्दीन तुगलक के प्राण पखेरु उड़ गए।